गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसा मैंने आपको बताया था कि आज नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ नया बताने वाली हूँ, तो आप लोग भी काफी एक्साइटेड होंगे कि आज की क्लास में हम कुछ नया क्या सीखने वाले हैं। ठीक है, इसीलिए आप लोग देख रहे हो कि बोर्ड पे भी मैंने कुछ भी टॉपिक नहीं डाला है। आज मैंने थोड़ी सी डिफरेंट करने के लिए मैंने आज अभी टॉपिक भी नहीं डाला है। ओके, आज मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ या वो क्या टॉपिक होगा या आप ही बताओगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम अपने टॉपिक तक पहुंचने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा वर्क देने वाली हूँ जो आप जल्दी से मुझे करके दिखाओगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आप लोग के लिए कि बस आपको क्लू के तौर पे हम इतना बताएंगे कि आज से मैं आप लोगों की इंग्लिश ग्रामर क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। इंग्लिश ग्रामर क्या है उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। चिल्ड्रेन, हम छोटी क्लास से कुछ ना कुछ सीखते हैं। एक हमारा सब्जेक्ट होता है कि हाँ, छोटी सी पीजी में गए, एलकेजी में पढ़े, यूकेजी में पढ़े, उसमें एक क्लास होती थी, इंग्लिश क्लास होती थी, जिसमें हम लेटर्स को बनाना सीखते थे, वर्ड बनाना सीखते थे। और जैसे आप फर्स्ट में आए तो मैम ने आपसे कहा कि बेटा इंग्लिश पढ़ना बहुत जरूरी है, आपको रीडिंग स्किल स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, ऐसा मैम बोलती है ना। तो आप उसको फॉलो अप करते गए, रीडिंग करते गए। एक सेकेंड, हाँ यस, तो हम लोग इंग्लिश को एक सब्जेक्ट मानते चले गए। ठीक है, आज मैंने क्या कहा, इंग्लिश ग्रामर। तो आखिर ये इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर में क्या डिफरेंस है? जनरली बेटा डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बहुत थोड़ा सा है, बहुत माइनर सा है। वो ये है कि इंग्लिश जब हम बोलना या रीडिंग करना तो हम वर्बली कर देते हैं, बट इसको करेक्ट वे में हमें इंग्लिश ग्रामर बताता है। हम जब कुछ भी बोलते हैं तो हम कुछ भी सुनते हैं, कुछ भी मतलब बस हम इंग्लिश लिख रहे हैं। ठीक है, बट उसको करेक्ट वे में सीखना आपको इंग्लिश ग्रामर ही बताएगा। ठीक है, मैं इतने दिन से यही आपको देख रही थी कि आपने रीडिंग में फोकस किया, आप बहुत अच्छा रीड कर रहे हो, आपको मैंने सेंटेंस मेकिंग, क्वेश्चन के आंसर बनाना सिखाया, आपने उसमें भी बहुत अच्छे से आपने कॉपरेट किया और बहुत अच्छे से सीख भी गए। बट कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको मैं कंफ्यूजन क्लियर नहीं कर पा रही थी। रीजन ये था कि आपको इंग्लिश ग्रामर का नॉलेज नहीं था। ठीक है, तो आज से हम बहुत बहुत इजी सा टॉपिक जो आप स्टार्टिंग से पढ़ते आए हो, टॉपिक वही है लेकिन उसमें थोड़ा सा ग्रामर का मैक्चर कर दिया है। जैसे आप मिल्क तो डेली पीते हो ना, लेकिन उसमें जब मम्मा हेल्थ ड्रिंक डाल देती है, बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स, कॉम्प्लेन, जो भी वट एवर जो आप ड्रिंक करते हो जिसका आपको फ्लेवर बहुत पसंद होता है, तो क्या होता है, मिल्क बहुत यम्मी हो जाता है। उसी तरीके से इंग्लिश तो हम डेली ही सीखते आए हैं और सीखेंगे, बट उसमें अगर हम थोड़ा सा ट्विस्ट ला रहे हैं, देखिएगा इंग्लिश आपको कितनी अच्छी लगती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा, मैं एक छोटा सा वर्क दे रही हूँ। आज जब मैं आपको, आप बोर्ड पे मेंशन है इंग्लिश ग्रामर, ओके, और मैं बोलूंगी आज आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने जा रही हूँ, तो इसकी नोटबुक बेटा अलग रखना। ठीक है, क्योंकि इसमें मैं टॉपिक कम लूंगी और आपको लॉट ऑफ एक्सरसाइज होंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसकी एक न्यू नोटबुक बनानी है और जितने भी मैं आपको टॉपिक क्लियर कर रही हूँ आपको उसको न्यू नोटबुक में राइट करना है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए, ये बात तो हो गई कि इंग्लिश ग्रामर की एक पर्टिकुलर नई नोटबुक बनेगी। आप जो भी टच नोटबुक, जो भी रफ नोटबुक या फिर कोई भी ऐसे जो आप क्लास के टाइम लेके बैठते हो, आई होप आप वो लोग लेके बैठे होंगे। अगर कोई लेके नहीं बैठा है तो प्लीज अपनी मम्मा से, पापा से, जो भी आपके एल्डर ब्रदर सिस्टर होंगे, आप उनसे मंगवा सकते हो। ठीक है, मैं एक टॉपिक दे रही हूँ आपको, आप सबसे पहले उसको करके दिखाइए। ठीक है, अब आपको ये लग रहा हो आज मैम क्या कराने वाली है। जनरली हम जब छोटी क्लास में एडमिशन लेके स्कूल आते हैं तो हम स्टार्टिंग किससे करते हैं, फ्लॉपिंग, फ्लैटिंग, स्लीपिंग, लाइंस बनाना सीखते हैं, है ना। फिर धीरे धीरे आते हैं तो हम ए टू जेड, इट मीन्स लेटर सीखते हैं, ढेर सारे लेटर। तो सबसे पहला मेरा यही टॉपिक है कि आपको मैं एक फिल द मिसिंग लेटर, एक छोटा सा फिलिंग द ब्लैंक दे रही हूँ, आप उसको करके दिखाइए। ठीक है, फटाफट टेक्स्ट नोटबुक निकाल लीजिए। टेक्स्ट नोटबुक में जैसा हम डालते हैं, लेफ्ट साइड आपको डेट डालना है,
ओके टॉपिक अभी हम नहीं डलवाएंगे, थोड़ा सा उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा और मैं एक एक्सरसाइज करा रही हूँ, आप वो एक्सरसाइज करके दिखाइए। Fill in the missing correspondence letter in correct. ओके अब अभी आपको क्लियर हो रहा होगा कि आखिर मैम क्या करवा रही है। फटाफट बेटा बैठना नहीं है, सुब्रत जल्दी से करिए बेटा, ठीक है आपका ये आज इंस्ट्रक्शन आपको नोटबुक में मेंशन करना है, टॉपिक के लिए स्पेस छोड़ देना है, जैसा मैंने टॉपिक के लिए स्पेस छोड़ दिया है आपको भी टॉपिक के लिए स्पेस छोड़ देना है। आफ्टर दैट मैं आपको टॉपिक बताऊंगी, आफ्टर इंस्ट्रक्शन डालेंगे बेटा, इंस्ट्रक्शन आपको लाइन पे ही डालना है क्योंकि राइटिंग आप प्लेन से नहीं कर पाओ। ऐसे लिखो तो ऐसे लिख के दिया है आपको इतना ही साफ साफ लिखना है और आफ्टर दैट आप इसको एक जैसे मैंने कहा न्यू नोटबुक बनानी है वैसे आप बनाकर इसको राइट कर सकते हो। जल्दी से राइट करिए, आफ्टर दैट मैं बताती हूँ कि आखिर इसका क्या यूज है। नाउ लिसन चिल्ड्रन, ये आपका कैपिटल और स्मॉल लेटर है जो आप लास्ट क्लास में जैसे मैंने बताया इंग्लिश ग्रामर आप स्टार्टिंग से ही पढ़ते हो बट ऐसा आपको पता नहीं चलता कि आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हो, फोर्थ क्लास में आते सहित आपको क्लियर हो जाता है कि इंग्लिश ग्रामर आखिर क्या है। देखिए मैंने आपको ये बोर्ड पे कैपिटल और स्मॉल लेटर दिया जो कि ऑलरेडी आपको मैं ए टू जेड पढ़ा चुकी हैं, कैपिटल का ए स्मॉल का ए क्योंकि इसमें करेक्ट ऑर्डर में राइट करना है वो आपको राइट करना है कैपिटल में और स्मॉल में। नाउ कैपिटल एंड स्मॉल आई होप आप ये पूरा कंप्लीट कर लोगे, जल्दी से कर लीजिए। Hello.
Write it fast. आई होप आप सभी को आ रहा है. अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है. टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आप सभी को पता है हम लोग ऑनलाइन कनेक्ट हैं. टाइम लिमिट का है. वन थिंग मोर, इंस्ट्रक्शन जरूर डालेंगे. ये ध्यान रखना एवरीवन, आपको इंस्ट्रक्शन जरूर डालना है क्योंकि इंस्ट्रक्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर योर क्लास. क्योंकि मैंने कहा इंस्ट्रक्शन अगर आप मेंशन करोगे तो रीडिंग स्किल भी स्ट्रांग होगी और आपको जब आप कुछ टाइम के बाद उसको पढ़ना चाहोगे तो आप उसको पढ़ भी सकते हो. मैं इंस्ट्रक्शन को एक बार एक्सप्लेन कर दे रही हूँ. फिल फिल मीन्स क्या होता है, राइट करना, फिल करना. जब कोई टू थिंग्स होता है बीच का कोई स्पेस को हमें फिल करना होता है, इस कॉल फिल इन ओके. यहाँ पर आपको इन लेटर को करेक्ट ऑर्डर में मेंशन करना है. किसका कंप्लीट हो गया दिखाइए, प्लीज शो मी नोटबुक. नेम बोलिए फिर उसके बाद. जानवी तिवारी. जानवी, वेट वेट, जानवी. इंस्ट्रक्शन डाला है बेटा, क्लियर नहीं आ रही. वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, दिख गया. ओके जानवी, ओके वेट, थोड़ा सा लिटिल बिट वेट कर लीजिए, उसके बाद मैं बताती हूँ आगे क्या करना है. और जिसका हो जाए प्लीज टेल मी योर नेम एंड शो मी योर नोटबुक. ओके, क्योंकि मैं जो आगे बताने वाली हूँ उसके लिए आपको ये मिसिंग लेटर कंप्लीट करना होगा. और किसी का हो गया, वैष्णवी हो गया बेटा, दिखाइए प्लीज शो मी नोटबुक. आपने इंस्ट्रक्शन डाला है. ओके क्लियर, ओके 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 प्लीज मैम हो गया. और प्लीज टेल मी योर नेम शॉर्टली आफ्टर दैट शो मी नोटबुक. अनवी वीडियो क्यों क्लोज करके रखे हो बेटा? आरुषि को खुद से लिखने दें प्लीज, खुद से लिखने दें, आप हेल्प ना करें क्योंकि बहुत इजी सा है ग्रामर में बेटा. मैं आप ही लोग से करवाने वाली हूँ, मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, इसीलिए तैयार रहिए. क्योंकि अब मेरा पढ़ाने का पैटर्न स्पीड में होगा, इसीलिए कोशिश करिए आप भी थोड़ा सा फास्ट होके बैठिए और कुछ एक्स्ट्रा मील्स ईट करके रखिए. जल्दी जल्दी से बेटा, बड़ा सिंपल सा है इतना बड़ा वो नहीं है, बट जल्दी राइट करिए. Write it fast, fast, fast. हाँ हो गया बेटा, नहीं हुआ, जल्दी करो चांस, जल्दी करिए बेटा. इंस्ट्रक्शन में आपको टाइम लग गया होगा, जल्दी करिए. मैम मेरा हो गया, दिखाइए प्लीज शो मी नोटबुक. जिनका होता जाए नोटबुक जरूर दिखा दो बेटा. चलिए चलते हैं
नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, क्योंकि फिर बहुत कुछ की राइटिंग बहुत स्लो है बेटा. राइटिंग मेरे ख्याल से मैंने स्टार्टिंग से आपसे कहा था कि राइटिंग की प्रैक्टिस करिए, बट आपने किया नहीं है. बड़ी अफसोस की बात है. ओके ओके हर ओके तो चलते हैं. आखिर में बताना क्या चाह रही हो? ठीक है, जिन्होंने कर लिया है वेल गुड, जिन्होंने नहीं किया है वो बोर्ड पे समझेंगे कि आखिर मैं क्या करवाने वाली हूँ. मैंने सेक्शन में दिया है फिल इन द मिसिंग अल्फाबेट लेटर. ओके, फिल इन द मिसिंग अल्फाबेट लेटर, यानी कि यहाँ पर जो अल्फाबेट दिए गए उनके बीच में स्पेस है, उसमें से कुछ लेटर मिसिंग है ना, इन द करेक्ट ऑर्डर. आपको क्या करना है, ब्लैंक में मिसिंग लेटर को करेक्ट ऑर्डर में राइट करना है. ठीक है, आपको दिया है ए, बी, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल स्मॉल है. जैसा आप मैथ में पैटर्न पढ़ते आए हो सेम प्रोसेस है. आपका कैपिटल स्मॉल दोनों मैंने दिया है, क्योंकि स्मॉल लेटर भी ए ही कहलाता है और कैपिटल लेटर भी, इसीलिए मैंने इसको अलग अलग डिस्क्राइब करने से बेटर मैंने सोचा इकट्ठा ही दे दूं. और आई होप आप लोगों ने कर भी लिया है. ए आफ्टर दैट बी प्लीज स्पीक अप, जिनको भी आ रहा है जो फिल कर चुके हैं प्लीज टेल मी The next letter A after B. फिर आपका सी बी सी डी डी वेरी गुड डी बार ई आफ्टर एफ एफ जी यहाँ पर यस एफ जी जी आई आई वेरी गुड. आई के बाद वेरी गुड. जे के बाद नीचे थ्री टू लाइन्स में. अरे बाबा टू लाइन्स में नीचे की टू लाइन. ओके बाय नीचे की टू लाइन्स में ना.
उसको हम बोलते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर. क्या बोलते हैं बेटा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर. क्या बोलते हैं बेटा? आई नो कि कुछ वर्ड्स या कुछ ऐसे वर्ड होंगे जो आपके लिए बिल्कुल न्यू है, आप उसको बोल भी नहीं पाओगे, बट जैसा आप बोल रहे हो मुझे आपका कॉपरेशन उतना ही चाहिए कि आप कोशिश करो. कोई बात नहीं, जब मैं भी आपके इतनी थी ना तो मैं भी नहीं बोल पाती थी, लेकिन मैंने बोला ना, इसीलिए आपको भी प्रैक्टिस करना है. और मैं यही कह रही हूँ कि जितने भी म्यूट किए हुए हैं वो अनम्यूट कर लो, बट मुझे आंसर सबसे चाहिए. ठीक है, अभी मैंने, चलते हैं पॉइंट की तरफ, कि अभी मैंने क्या बताया, ए से लेकर जेड तक, ए से जेड तक हमने एक सीक्वेंस में राइट किया. ये इन कनेक्टिविटी की वजह से क्लासेस अपने से बंद हो गई थी. कंटिन्यू करते हैं. आज मैं आप लोगों को क्या बता रही हूँ, राइट, मैंने क्या बताया, लेटर अगर बोलेंगे तो लेटर हम सी भी लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं ना, बट आपको यही अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में राइट करना होगा तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग सबसे पहले कौन सा लेटर आता है, केवल इन तीनों पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे. ए, 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 तो सबसे पहले हम ओके एक और एग्जांपल देखते हैं. जैसे मैंने क्या यहाँ पर थ्री लेटर मैंने दे दिया है, ध्यान से सुनिए, मैंने यहाँ पर थ्री लेटर दिए हैं. फिर से इसको हमें
अल्फाबेटिकल ऑर्डर में राइट करना है तो कैसे राइट करेंगे? हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में राइट करने के लिए हम अल्फाबेट को सीक्वेंस से रीड करेंगे. सबसे पहले कौन सा लेटर आता है? ए. बट ए इज नॉट हियर. आप बोलो ना. ए नहीं है तो हम ए को प्लीज समझने की कोशिश करिए. जो लोग काउंटिंग कर रहे हैं प्लीज शांत हो जाएं. देखिए अल्फाबेटिकल इन लेटर्स को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में राइट करने के लिए हम क्या करते हैं, जिस तरीके से मैथ में हम काउंटिंग करते हैं उसी तरीके से आप इंग्लिश में अल्फाबेट को रीड करेंगे. सबसे पहले ए ए आता है तो ए का सीक्वेंस हम रीड करना स्टार्ट करेंगे. ए बट ए इज नॉट हियर. लेकिन ए यहाँ पर नहीं है तो हम ए से आगे बढ़ेंगे. बी इज ऑल्सो नॉट हियर. सी भी नहीं है. डी इज नॉट हियर. ई नो. F, no, G, no, H. यहाँ पर H है ना? जब H यहाँ पर है तो सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में राइट करने के लिए हम H को राइट करेंगे इन द फर्स्ट ऑर्डर. ओके H के बाद अब हम सिर्फ ये नहीं, अब हम लेटर के बाद पढ़ेंगे. H के बाद I, जे, जे भी नहीं है. के, के इज हियर. तो अब हम के को में रखेंगे. ओके यहाँ थ्री लेटर्स होंगे तो या तो आप इसको उठाकर यहाँ रख सकते हो या इसके बाद भी कर सकते हो. क्लियर हुआ सभी को? ऐसे में जब थ्री लेटर्स होंगे तो हम ए से स्टार्ट करेंगे और जो भी लेटर आएगा उसको फर्स्ट ऑर्डर में रखेंगे. फिर आफ्टर दिस लेटर हम देखेंगे और जो भी लेटर क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको राइट करेंगे. फिर जो लास्ट बचेगा उसको हम थर्ड में राइट कर देंगे. क्लियर हुआ? यस और नो? थोड़ा है ना. एक एग्जांपल और लेते हैं. आपको फिर से अल्फाबेटिकल ऑर्डर के करने के लिए हम रीड करना स्टार्ट करेंगे. ए बट ए इज नॉट हियर. तो ए को हम करेंगे कर देंगे जाने देंगे. ए के बाद बी. अब बी के बाद बढ़ेंगे सी. सी इज नॉट हियर. तो सी को हम फिर से छोड़ देंगे. सी के बाद क्या आता है? डी. डी इज हियर. सो राइट नेक्स्ट लेटर डी. डी के बाद ई. एफ नहीं है. जी एच आई जे के एल एम. यस एम इज हियर. एम हमें मिल गया. सो लेटर एम इज कॉल्ड अल्फाबेटिकल ऑर्डर. ठीक है. अब बिना टाइम वेस्ट किए आप लोग को मैं होमवर्क दे रही हूँ कि आपको ये कितना आया. ठीक है, क्योंकि टाइम हो ही गया है. ठीक है, तो आपको क्या करना है, नोट बुक में होमवर्क मेंशन करना है एंड इंस्ट्रक्शन डालना है राइट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. और कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको, उसको घर से करना है जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगी. नोट डाउन करेंगे नहीं तो फिर टाइम हो जाएगा बेटा. जल्दी से करिए, फटाफट राइट करिए और वन लाइन स्पेस छोड़ देंगे. आप सेकंड आप आई सी. हम ए कर लेते हैं. टू नंबर लिखो. एफ आई ए लिखो. मैम मेरा कंप्लीट नहीं हुआ. एफ आई ए आई 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 ए ए. फोन नंबर है.
Now listen everyone, ये be careful कि आपको मैंने जितने भी क्वेश्चन दिए हैं करने के लिए इनको आपको सीक्वेंस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है. इसके लिए आपको एक लाइन स्पेस छोड़ना पड़ेगा और इंग्लिश में फोर लाइन से फिर नेक्स्ट बढ़ना है आपको. ये ध्यान रखिएगा. ओके बहुत केयरफुली आप इसको नोट डाउन करिएगा. मैं सारे लेटर्स को एक बार रीड आउट कर दे रही हूँ. डी ई सी सेकेंड क्वेश्चन जी